हेलो फ्रेंड्स, मैं डीके हूं। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों, जीरो टू हीरो सीरियल में। दोस्तों दोस्तों आज जीरो टू हीरो सीरियल का एपिसोड नंबर है 23 दोस्तों। एंड दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने एक इम्पॉर्टेंट ऑसिलेटर की बात की दोस्तों, आरएसआई की, और हमने जाना कि उसके कितने प्रकार के मल्टीपल यूजेस हम कर सकते हैं टेक्निकल एनालिसिस में अपनी एक्यूरेसी को एनहांस करने के लिए आफ्टर प्राइस एक्शन एनालिसिस दोस्तों। क्योंकि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि कोई भी इंडिकेटर या ऑसिलेटर एक सपोर्टिंग टूल की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि उसके सिग्नल्स पर हम ओवर डिपेंडेंस कभी नहीं हो सकते हैं, अदरवाइज हम अपनी एक्यूरेसी को कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज करते हैं। तो दोस्तों आज दूसरे एक पॉपुलर इंडिकेटर की हम बात करेंगे दोस्तों, जिसका नाम है एमएसईडी, कुछ लोग इसे मैकडी भी बोलते हैं दोस्तों। एंड दोस्तों हम जानने की कोशिश करेंगे दोस्तों कि इसको कितने इफेक्टिवली हम इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की एक्यूरेसी को बढ़ाने में, और ये एक हमारे ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का हिस्सा बन सकता है। एंड दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना कि ये भी एक कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये भी एक सपोर्टिंग टूल है जो हमें एक एडेड सपोर्ट देता है जब हम प्राइस एंड वॉल्यूम की एनालिसिस करते हैं। मैं बार बार एम्फेसिस कर रहा हूं दोस्तों, प्राइस एंड वॉल्यूम की एनालिसिस को ही टेक्निकल एनालिसिस बोला जाता है। बाकी स्लोली एंड स्लोली वक्त के साथ दोस्तों अलग अलग टूल्स एंड सपोर्टिंग टूल्स का लोगों ने इन्वेंट किया, नए नए टूल्स आए, और ये एमएससीडी भी एक टेक्निकल एनालिस्ट के बीच में एक पॉपुलर टूल है दोस्तों। तो दोस्तों इस सेशन के एंड में आप जान पाएंगे दोस्तों कि एमएससीडी होता क्या है, और कंसेप्चुअली जब समझते हैं दोस्तों कि एमएससीडी होते क्या है, उसके एलिमेंट्स क्या है, उनको आधारित किस पे किया जाता है, उसको कैलकुलेशंस कैसे किए जाते हैं, तब जाके हम कंसेप्चुअली चार्ट को स्टडी करने का हमारा नजरिया टोटली डिफरेंट होता है, और हम टेक्निकल एनालिसिस में एक हाई प्रोबेबिलिटी को जन्म देते हैं, एक्यूरेसी प्राप्त करने की क्षमता प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आपके राइट साइड में एक सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस ब्यूटीफुल परिवार का हिस्सा बने दोस्तों। एंड दोस्तों केवल सब्सक्राइब करने से उद्देश्य पूरा नहीं होगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन को नोटिफिकेशन के लिए एनेबल करना होगा, ताकि हर आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके और आप कोई भी वीडियो इस चैनल पे मिस ना करें दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों ब्रीफ में हम एमएससीडी की हिस्ट्री को जानते हैं दोस्तों। दोस्तों हमने पिछले सेशन में देखा कि आरएसआई का जन्म 1978 में हुआ, मिस्टर वाइल्डर ने किया, और उसके बाद आरएसआई एक बहुत पॉपुलर इंडिकेटर बन गया अमंग टेक्निकल एनालिस्ट एंड अमंग ट्रेडर्स दोस्तों। तो दोस्तों वैसे एमएससीडी का जन्म दोस्तों 1979 में हुआ दोस्तों। तो दूसरे शब्दों में हम बोल सकते हैं कि आरएसआई एक साल बड़ा भाई है एमएससीडी का दोस्तों। तो दोस्तों इसका क्रिएशन किया जेराल्ड एपल ने 1978 में,
और दोस्तों आप देखिए लेट 70s में ये दो इंपॉर्टेंट इंडिकेटर जिनका जन्म हुआ, आज तक दोस्तों ये दो इंडिकेटर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर्स में से गिने जाते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और एमएससीडी के बाकी एस्पेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले समझते हैं कि एमएससीडी या मैकडी जिसे बोलते हैं वो होता क्या है। तो दोस्तों ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका फुल फॉर्म जो है वो है मूविंग एवरेज कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम मैकडी या एमएससीडी बोलते हैं दोस्तों। दोस्तों ये ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है दोस्तों। अब आप देखिए इस सेंटेंस में दो इंपॉर्टेंट वर्ड आ रहे हैं, ट्रेंड एंड मोमेंटम। जीरो टू हीरो श्रृंखला में दोस्तों हमने जाना है ट्रेंड हम किसे बोलते हैं और हमने जाना है मोमेंटम किसे बोलते हैं दोस्तों। तो मैं यहां पर इस पे एम्फेसिस नहीं दूंगा, जिन्होंने पिछली श्रृंखला के सीरीज को जीरो टू हीरो में नहीं देखा है दोस्तों, प्लेलिस्ट एक सेपरेट प्लेलिस्ट है जीरो टू हीरो की, जिसमें सारे वीडियो जीरो टू हीरो नंबर वन से लेकर आगे तक के उपलब्ध है, वो वहां विजिट कर सकते हैं और एक एक स्टडी को आगे बढ़ा के समझ सकते हैं दोस्तों। जो भी बिगनर्स है या जो नए ट्रेडर्स है दोस्तों, ये बहुत जरूरी है कि स्टेप बाय स्टेप सारे टॉपिक को हम जब सीखते हैं तभी हम कंसेप्चुअली क्लियर होते हैं। तो ये ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है दोस्तों। एंड दोस्तों इसके कंस्ट्रक्शन के लिए जो चार्ट के ऊपर में कंस्ट्रक्शन होता है दोस्तों, ओरिजिनल जो सेटिंग थी जो मिस्टर जेराल्ड एपल ने दी थी 1979 में, उसी का डिफॉल्ट सेटिंग होता है किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में या चार्टिंग टूल में, और ये दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस का इस्तेमाल करता है अपने सारे एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए। और वो दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस हैं दोस्तों ईएमए 26 एंड ईएमए 12। तो एक शॉर्ट पीरियड है दोस्तों, एक लिटिल लॉन्ग पीरियड है। तो दोस्तों ईएमए 12 एंड ईएमए 26 का ये इस्तेमाल करता है अपने सारे एलिमेंट्स को कैलकुलेट करने के लिए। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और समझने की फर्दर कोशिश करते हैं अबाउट एमएससीडी। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है समझना कि मूविंग एवरेज कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस इसका नाम क्यों पड़ा। अब यहां दो वर्ड आ रहे हैं दोस्तों, कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस, और उसके पहले प्रीफिक्स क्या है दोस्तों, मूविंग एवरेज। तो मूविंग एवरेज अभी हमने देखा दोस्तों कि ये दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को इस्तेमाल करता है, वो है एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 12 एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26। तो इसीलिए मूविंग एवरेज वर्ड आया दोस्तों। अब कॉन्वर्जेंस क्यों आया दोस्तों, कि ये दो मूविंग एवरेज जो है दोस्तों, तो फॉर एग्जाम्पल ये दो मूविंग एवरेज है, एक 12 है और एक 26 है, तो प्राइस एक्शन के माध्यम से जैसे जैसे प्राइस का मूवमेंट होगा तो ये कभी आपस में कन्वर्ज होते हैं, पास आते हैं, और कभी ये दोस्तों डाइवर्ज होते हैं, ड्रिफ्ट अपार्ट होते हैं। तो दोस्तों इसी कारण से इन्हें मूविंग एवरेज कॉन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस बोला जाता है। और यही दोस्तों एक आधारित है एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझना, कि जब हम किसी भी मूविंग एवरेज के कॉम्बिनेशन को चार्ट के ऊपर में इस्तेमाल करते हैं तो वर्चुअली कहीं ना कहीं हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। और दोस्तों जीरो टू हीरो श्रृंखला में मैजिक मूविंग एवरेज करके और ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें इसके ऊपर में एक सेपरेट एपिसोड किया गया था दोस्तों, आपको याद होगा कि किस तरह से मूविंग एवरेज एक मैजिक इंडिकेटर की तरह काम करते हैं। और उन्हीं कंसेप्ट को इस्तेमाल करके दोस्तों इनफैक्ट देखा जाए तो इस एमएससीडी का कंस्ट्रक्शन हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इसके कौन से वो तीन एलिमेंट हैं दोस्तों उसे समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एमएससीडी के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं दोस्तों, बट उनका आधार जो है वो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 12 एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 26 है। बाकी सब दोस्तों इन दोनों मूविंग एवरेजेस की वैल्यूज पर बाकी एलिमेंट्स का कैलकुलेशन आधारित है एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा, जो बहुत सिंपल कैलकुलेशंस हैं जो अपन कंसेप्चुअली अभी आज के सेशन में सीखेंगे दोस्तों।
तो दोस्तों इसके बेसिकली तीन एलिमेंट हैं जो किसी भी चार्टिंग टूल पे जब एमएससीटी को आप सेलेक्ट करते हैं एज अ सपोर्टिंग इंडिकेटर, तो ये तीन एलिमेंट उसमें दिखाई देते हैं। वो पहला एलिमेंट है दोस्तों एमएससीडी लाइन, दूसरा एलिमेंट है दोस्तों सिग्नल लाइन एंड तीसरा एलिमेंट है दोस्तों हिस्टोग्राम। तो दोस्तों ये तीनों को एक एक करके समझते हैं कि ये तीनों का मीनिंग क्या है और ये तीनों किस तरह से ये दो मूविंग एवरेजेस जो है दोस्तों ईएमए 12 एंड ईएमए 26 के वैल्यूज को इस्तेमाल करते हैं और इनका सिंपल मेथड के द्वारा एक कैलकुलेशन किया जाता है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और एक एक एलिमेंट को लेते हैं कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो दोस्तों सबसे पहले पहले एलिमेंट को लेते हैं और उसे हम बोलते हैं दोस्तों एमएससीडी लाइन। अब समझते हैं दोस्तों एमएससीडी लाइन का कैलकुलेशन किस पे आधारित है दोस्तों। तो दोस्तों बहुत सिंपल कैलकुलेशन है, सिंस हम दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनका जो डिफरेंस आता है वही एमएससीडी लाइन को प्लॉट करता है और वो डिफरेंस है दोस्तों फॉर्मूला एमएससीडी की जो वैल्यू आती है वो इज इक्वल टू जब हम ईएमए 12 की वैल्यू में से ईएमए 26 की वैल्यू को माइनस कर देते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं तो दोस्तों एमएससीडी की वैल्यू आ जाती है। और ये दोस्तों जैसे जैसे ट्रेडिंग होती रहती है वैसे वैसे ये कैलकुलेशन आपका चार्टिंग टूल सॉफ्टवेयर करता रहता है। तो दोस्तों ये समझना बहुत आवश्यक है कि एमएससीडी लाइन जो चार्ट पे प्लॉट होती है ये ईएमए 12 में से जब ईएमए 26 को माइनस करते हैं तब इसका कंस्ट्रक्शन होता है। सॉरी फ्रेंड्स, तो इसका आधार क्या हुआ दोस्तों? इसका तात्पर्य यह हुआ दोस्तों कि जब भी ईएमए 12 की वैल्यू ज्यादा होगी ईएमए 26 की वैल्यू से तो एमएससीडी की वैल्यू प्लस में आएगी दोस्तों, वो एक पॉजिटिव मोमेंटम को इंडिकेट करेगा दोस्तों। और जब दोस्तों ईएमए 12 की वैल्यू कम होगी ईएमए 26 के वैल्यू से तो एमएससीडी की वैल्यू माइनस में आएगी दोस्तों, निगेटिव आएगी। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों एमएससीडी लाइन की वैल्यू निकालने के लिए अगर ईएमए 12 की वैल्यू 20 है, आप अपने स्क्रीन पे देखिए दोस्तों ये ब्रैकेट में मैंने एक आर्बिट्रेरी एक एग्जांपल के लिए वैल्यू पकड़ी है। अगर ईएमए 12 की वैल्यू 20 है और ईएमए 26 की वैल्यू 15 है तो दोस्तों एमएससीडी की वैल्यू क्या आएगी? वो आएगी प्लस 5, मीन्स पॉजिटिव हुआ। एंड दोस्तों अगर इसका अपोजिट हो जाए कि ईएमए 12 की वैल्यू 15 है और ईएमए 26 की वैल्यू 20 है तो दोस्तों जब हम माइनस करेंगे 15 में से 20 को तो वो माइनस में फिगर आएगा दोस्तों। तो इसका मतलब यह है दोस्तों कि अगर ईएमए 12 अगर ईएमए 26 के चार्ट के ऊपर में आपको ऊपर दिखाई दे रहा है तो शॉर्ट पीरियड ऊपर दिखाई दे रहा है, इससे क्लियर कट है दोस्तों कि मार्केट में बाइंग एक्शन का फोर्स जो है वो अधिक है सेलिंग प्रेशर के कंपैरिजन में एंड दिस इज ऑल अबाउट मोमेंटम दोस्तों। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कंसेप्चुअली समझना कि जब ईएमए 12 की वैल्यू से माइनस करते हैं ईएमए 26 की तो ईएमए 12 की वैल्यू अगर ज्यादा है तो एमएससीडी पॉजिटिव आएगी और ईएमए 12 की वैल्यू ईएमए 26 से कम है तो वो नेगेटिव में आएगी। चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं अगले एलिमेंट को जो एमएससीडी के ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का है। तो दोस्तों अब समझते हैं एमएससीडी के ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का सेकंड एलिमेंट क्या है और वो है दोस्तों सिग्नल लाइन। अब दोस्तों सिग्नल लाइन का कैलकुलेशंस कैसे होता है? पिछले अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा कि एमएससीडी लाइन का कैलकुलेशन जब ईएमए 12 की वैल्यू में से ईएमए 26 की वैल्यू को हम माइनस करते हैं तब जाके दोस्तों एमएससीडी की वैल्यूज आती है।
और इस तरह से दोस्तों एमएससीडी की जो वैल्यू आ रही है, जब उसका एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 ड्रॉ किया जाता है दोस्तों, तो वो बन जाता है सिग्नल लाइन। तो ये दोस्तों एमएससीडी जो है, एमएससीडी की जो लाइन है वो अलग अलग वैल्यू से प्लॉट हो रही है दोस्तों, जो डिफरेंस है ये दो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का। और उस वैल्यूज का जब एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 प्लॉट किया जाता है तो उसे हम सिग्नल लाइन बोलते हैं दोस्तों। अब दोस्तों चलते हैं, तीसरा एलिमेंट समझते हैं एमएससीडी के ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का। तो दोस्तों अब समझते हैं थर्ड एलिमेंट जो है एमएससीडी के ओवरऑल कंस्ट्रक्शन का, वो है दोस्तों हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम का मतलब सिंपल है दोस्तों, बार्स जो एमएससीडी के कंस्ट्रक्शन में हमें दिखाई देते हैं, जो अभी हम पिक्टोरियली भी दोस्तों देखेंगे। तो दोस्तों हिस्टोग्राम का कैलकुलेशन कैसे होता है, वेरी सिंपल कैलकुलेशन। अभी हमने सीखा एमएससीडी लाइन का कैलकुलेशन कैसे होता है, और उसके बाद देखा कि एमएससीडी की जो वैल्यूज आती है उसका जब हम एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज खींचते हैं तो हमें सिग्नल लाइन मिल जाती है। तो जब दोस्तों हमें एमएससीडी लाइन मिल गई और सिग्नल लाइन मिल गई, तो अब हिस्टोग्राम के लिए बहुत सिंपल है। ये दोनों दोस्तों एमएससीडी लाइन एंड सिग्नल लाइन का जो डिफरेंस होता है उसको मेजर करता है दोस्तों, उसको नापता है दोस्तों। तो अ मेजर ऑफ अ डिफरेंस बिटवीन एमएससीडी लाइन एंड सिग्नल लाइन दोस्तों। तो सिंपल तरीके से अगर हम इसे फॉर्मूला को डिड्यूस करना चाहें तो क्या फॉर्मूला होगा दोस्तों, हिस्टोग्राम की जो हाइट है एच हम इसे पकड़ ले, इज इक्वल टू एमएससीडी की जो वैल्यू है, एमएससीडी लाइन की जो वैल्यू है माइनस सिग्नल लाइन की जो वैल्यू है। इसका मतलब है दोस्तों एमएससीडी की लाइन की जो वैल्यू है अगर वो अधिक होगी सिग्नल लाइन की वैल्यू से तो हिस्टोग्राम पॉजिटिव बनेंगे, और एमएससीडी की लाइन की वैल्यू अगर सिग्नल लाइन की वैल्यू से कम है तो वैल्यू नेगेटिव आएगी दोस्तों। और इसी तरीके से एमएससीडी का जो हम इंडिकेटर को जब सेलेक्ट करते हैं अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में, चार्टिंग टूल के ऊपर में, तो इस तरह से हिस्टोग्राम हमें पॉजिटिव या नेगेटिव बनते हुए नजर आते हैं दोस्तों, जो एक मोमेंटम की स्टडी को स्टडी करने में हमें मदद करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसे चार्ट के ऊपर में समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से एमएससीडी दिखाई देता है, और किसी भी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में जो डिफॉल्ट वैल्यू है दोस्तों, जो डिफॉल्ट सेटिंग है वो है दोस्तों ओरिजिनल मिस्टर जेराल्ड एप्पल ने जो 1979 में दी थी, और मैं दोस्तों वो डिफॉल्ट वैल्यू को ही इस्तेमाल करता हूं। तो दोस्तों अब समझते हैं कि एमएससीडी चार्टिंग सॉफ्टवेयर में दिखाई कैसे देता है और उसकी डिफॉल्ट सेटिंग किस तरह से दिखाई देती है। तो दोस्तों ये सॉफ्टवेयर है, इसमें आप देख सकते हैं कि यहां पर एमएससीडी की जो शॉर्टर पीरियड की जो वैल्यू है वो 12 है और अनदर वैल्यू 26 है दोस्तों, और ये दोनों क्लोजिंग बेसिस पे ये डिफॉल्ट सेटिंग होती है दोस्तों। और सिग्नल की लाइन की जो है वैल्यू वो दोस्तों वो है 9 EMA 9, ताकि वो कैलकुलेट कर सके। अब दोस्तों यहां चार्ट के ऊपर में अगर हम देखें दोस्तों, तो ये ब्लू कलर की लाइन जो मैंने सेटिंग की है दोस्तों, मैं उसी का डायग्राम दिखा रहा हूं अपने चार्टिंग सॉफ्टवेयर में। ब्लू कलर की लाइन जो दोस्तों है वो एमएससीडी लाइन को दर्शाती है, और ये रेड कलर की लाइन जो है दोस्तों वो दर्शाती है सिग्नल लाइन। अब दोस्तों ये आप ग्रीन कलर की बार्स देख रहे हैं, ये हिस्टोग्राम है, या जब हिस्टोग्राम की वैल्यू नेगेटिव में है तो दोस्तों रेड कलर के ये बार देख रहे हैं। ये सारे हिस्टोग्राम है जो एमएससीडी की लाइन और सिग्नल लाइन का गैप है। तो आप देख सकते हैं कि जब यहां पर एमएससीडी की लाइन ऊपर है सिग्नल लाइन से, मींस ब्लू कलर की लाइन ऊपर है सिग्नल लाइन से, तो आप देखिए हिस्टोग्राम ये जीरो लाइन के ऊपर में बन रहे हैं दोस्तों, और इसीलिए ने ग्रीन कलर से दर्शाया गया है। और दोस्तों जब आप इस जगह पे देखिए, ये इस जगह पे जब एमएससीडी की लाइन जो है वो सिग्नल लाइन से नीचे है, तो आप देखिए इस जगह पे जो हिस्टोग्राम है वो नीचे बन रहे हैं, उनकी वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो दोस्तों एमएससीडी में
फोर्थ एलिमेंट जो होता है वो एक सेंटर लाइन होती है, जिसे हम जीरो लाइन बोलते हैं। तो जीरो लाइन के ऊपर अगर हिस्टोग्राम बन रहे हैं तो बुलिश मोमेंटम है, अगर नीचे बन रहे हैं तो बेरिश मोमेंटम है। तो हम एक एट ए ग्लांस चार्ट इसको इसको देख के समझ सकते हैं कि मोमेंटम क्या हो रहा है, किस तरह से दर्शा रहा है। और ये सारा कुछ प्राइस एक्शन से कैलकुलेट हो रहा है दोस्तों, क्योंकि अल्टीमेटली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 12 एंड 26 का इस्तेमाल किया जा रहा है ये सारे कैलकुलेशंस करने में, और उसके आधार पे एक फॉर्मूला के तहत इसे प्लॉट किया जा रहा है दोस्तों। तो दोस्तों चलिए हम आगे बढ़ते हैं और इस सब्जेक्ट को और समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों समझते हैं कि एमएससीडी का कन्वेंशनल यूज क्या है दोस्तों, जो सिंपलेस्ट वे है टू लुक एट एमएससीडी इन द प्राइस चार्ट। तो दोस्तों इसका यूज है, जब हम दो एलिमेंट अभी हमने सीखे दोस्तों कैलकुलेट करना, एक है एमएससीडी लाइन एंड सेकंड इज सिग्नल लाइन। तो जब इनको कॉम्बिनेशन में हम इस्तेमाल करते हैं तो ये एक बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल देने की क्षमता रखता है। तो दोस्तों बाइंग एंड सेलिंग सिग्नल के लिए जो कन्वेंशनल यूज है कि जब भी दोस्तों बाय सिग्नल अप ट्रेंडिंग मार्केट में, क्योंकि ये ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है दोस्तों, तो ये बेहतर काम तभी करेंगे दोस्तों जब मार्केट अप ट्रेंड में होगा या डाउन ट्रेंड में होगा। साइडवेज मूवमेंट में बहुत सिग्नल क्रिस क्रॉस आएंगे और बहुत फॉल्स सिग्नल मिलने की संभावना बढ़ जाती है। लेकिन दोस्तों इसको दूसरे स्टडीज के साथ जब कंबाइन करके हम इस्तेमाल करते हैं तो एमएससीडी एक बेहतरीन इंडिकेटर साबित होता है, जो हम इस सेशन में आज देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों बाय सिग्नल अप ट्रेंडिंग मार्केट में कब मिलता है दोस्तों, जब दोस्तों एमएससीडी लाइन क्रॉस करके ऊपर चली जाती है सिग्नल लाइन के। अब दोस्तों जैसे ये होता है तो हिस्टोग्राम दोस्तों जो क्या है, हिस्टोग्राम आपको जीरो लाइन के ऊपर बनने लगेंगे इस सिचुएशन में, क्योंकि दोस्तों हिस्टोग्राम की वैल्यू कैसे निकलती है, एमएससीडी लाइन में से जब हम माइनस करते हैं सिग्नल लाइन को तो ऑब्वियसली हिस्टोग्राम जीरो लाइन के ऊपर बनने लगते हैं। जैसे एमएससीडी लाइन क्रॉस करके ऊपर जाती है वो एक बाइंग सिग्नल होता है अप ट्रेंडिंग मार्केट में दोस्तों। एंड दोस्तों जब सेल सिग्नल कब होता है, जब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है तब सेल सिग्नल पे हम रिलाई कर सकते हैं, और वो है दोस्तों जब एमएससीडी लाइन क्रॉस अंडर करती है या क्रॉस डाउन करती है सिग्नल लाइन के नीचे चली जाती है, तो हिस्टोग्राम दोस्तों क्या होता है वो जीरो लाइन के नीचे बनने लगते हैं, क्योंकि यही तो फॉर्मूला भी हमने देखा दोस्तों। तो ये एक कन्वेंशनल यूज है जो ट्रेंडिंग मार्केट में बाय एंड लार्ज अदर स्टडीज के साथ कंबाइन करेंगे तो एक हेल्पफुल टूल की तरह एमएससीडी साबित होगा दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए दोस्तों एमएससीडी को प्राइस चार्ट के ऊपर में एक अपट्रेंडिंग मार्केट में देखते हैं दोस्तों। दोस्तों ये एक अपट्रेंडिंग मार्केट में प्राइस चार्ट आपको नजर आ रहा है और स्टॉक जो है दोस्तों हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है, तो इट्स अ क्लियर एंड अप ट्रेंडिंग मूव। अब दोस्तों यहां पे हमने क्या किया है कि इस चार्ट के ऊपर में, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इस चार्ट के ऊपर में दोस्तों हमने जो ईएमए का सिलेक्शन किया है, ये ग्रीन कलर की जो लाइन है दोस्तों ये इंडिकेट कर रही है ईएमए 12 को, और ये ब्लू कलर की लाइन जो है दोस्तों वो इंडिकेट कर रही है EMA 26 को। तो दोस्तों जो MACD का एलिमेंट है कंस्ट्रक्शन के लिए उसी को चार्ट की बॉडी में हमने एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को सेलेक्ट किया है ताकि आप उसे अंडरस्टैंडिंग में आसानी हो। अब दोस्तों हम यहां क्या देखते हैं कि यहां पर जैसे ही क्रॉसओवर हुआ दोस्तों, यहां पे आप देखिए EMA 12 EMA 26 के ऊपर चली गई, तो आप देखिए यहां पर सिग्नल जनरेट हो गया दोस्तों। यहां पर EMA जो MACD लाइन है वो ऊपर चली गई सिग्नल लाइन के, जो बाइंग सिग्नल है,
तो दोस्तों इसके एलिमेंट कैसे हम देखते हैं दोस्तों, ये ईएमए 12 ग्रीन कलर की लाइन है और ईएमए 26 ब्लू कलर की लाइन है जो इसमें सेलेक्ट की गई है। अब इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं ब्लू कलर की लाइन जो है, एमएससीडी का जो पोर्शन है दोस्तों उसमें ब्लू कलर की जो लाइन है वो एमएससीडी लाइन को दर्शा रही है, और दोस्तों जो रेड कलर की लाइन है वो सिग्नल लाइन को दर्शा रही है जो एमएससीडी की एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज 9 को प्लॉट कर रही है जो अभी हमने कैलकुलेशन में सीखा। एंड दोस्तों ये जो हिस्टोग्राम है वो इंडिकेट करते हैं बुलिश एंड बेरिश मोमेंटम। ये हिस्टोग्राम आप देखिए जीरो लाइन के ऊपर बन रहे हैं, ये दोस्तों जीरो दर्शाया गया है, तो जीरो लाइन के ऊपर बन रहे हैं बुलिश मोमेंटम है, जीरो लाइन के नीचे बन रहे हैं निगेटिव मोमेंटम है। तो दोस्तों इस तरह से एमएससीडी में अगर जैसे ही अप ट्रेंडिंग मार्केट में जब एमएससीडी लाइन क्रॉस करके ऊपर चली जाती है सिग्नल लाइन के, मींस ब्लू कलर की लाइन इन दिस केस ऊपर चली जाती है रेड लाइन के, तो वहां बाइंग सिग्नल है दोस्तों, यहां पर भी बाइंग सिग्नल है दोस्तों, इस जगह पे भी बाइंग सिग्नल है दोस्तों, इस जगह पे भी बाइंग सिग्नल है। तो इस तरह से बाइंग सिग्नल ये जनरेट करता है जब हम कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं एमएससीडी के लाइन एंड सिग्नल लाइन के। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और इसे समझते हैं फर्दर। तो दोस्तों अब समझते हैं एमएससीडी को प्राइस चार्ट पर जब डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है, हम प्राइस चार्ट को देख सकते हैं दोस्तों कि एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में स्टॉक है, उसकी प्राइस लोअर हाइज एंड लोअर लोज का फॉर्मेशन कर रही है, और जैसे ही दोस्तों एमएससीडी लाइन क्रॉस अंडर करती है सिग्नल लाइन को, दैट इज ब्लू कलर की लाइन क्रॉस अंडर करती है रेड कलर की लाइन को। दोस्तों कलर से कंफ्यूज नहीं होइएगा, मैं कलर वो यूज कर रहा हूं जो मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए सेलेक्ट किए हैं, कलर आप कोई भी यूज कर सकते हैं, केवल आपको मालूम होना चाहिए कौन सा कलर एमएससीडी लाइन का है और कौन सा कलर सिग्नल लाइन का है। तो जब दोस्तों एमएससीडी लाइन क्रॉस करके नीचे आ जाती है सिग्नल लाइन के तो वो सेल सिग्नल जनरेट करता है, इस जगह पे देखे दोस्तों, उसके बाद यहां देखें दोस्तों, यहां पर देखें दोस्तों, तो ये सेल सिग्नल है। तो दोस्तों अल्टीमेटली एमएससीडी लाइन एंड सिग्नल लाइन के कॉम्बिनेशन को हम इस्तेमाल जब करते हैं खास करके ट्रेंडिंग मार्केट में, तब वो एक अच्छे सिग्नल देने की संभावनाओं को रखता है। और दोस्तों हमें सिग्नल पे तभी रिलाई करना चाहिए जब हम प्राइस एक्शन एनालिसिस कर चुके हैं और उसके बाद में ये सपोर्टिंग इंडिकेशन होगा कि यस एमएससीडी भी उसी दिशा में बात कर रहा है जिस दिशा में हमारा प्राइस एनालिसिस, जो हमने वॉल्यूम एंड प्राइस की एनालिसिस करी है और दूसरी स्टडीज को कंबाइन करके किया है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों जीरो टू हीरो के पिछले एपिसोड में हमने आरएसआई के बारे में जानकारी हासिल की दोस्तों, और उसके कितने तरह के मल्टीपल यूजेस हैं उसे जाना, और वहां पे भी हमने डिस्कस किया दोस्तों कि आरएसआई एक मोमेंटम इंडिकेटर है दोस्तों, और आज एमएससीडी के बारे में भी हम यही चर्चा कर रहे हैं कि ये एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर है दोस्तों। तो थोड़ा सा हम इसे डिफरेंस को समझते हैं दोस्तों कि आरएसआई वर्सेस एमएससीडी, क्योंकि दोनों ही अल्टीमेटली दोस्तों मोमेंटम इंडिकेटर है, लेकिन दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि दोनों अलग अलग पर्सपेक्टिव को दर्शा रहे हैं, और वो पर्सपेक्टिव क्या है दोस्तों, आरएसआई जो है दोस्तों मोमेंटम इंडिकेटर तो है लेकिन वो क्या मेजर कर रहा है, वो क्या चीज प्लॉट कर रहा है, वो प्राइस के गेन्स को या प्राइस के डिक्लाइन के रेट को 14 डे पीरियड में इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। तो वो एक्चुअली मेजर कर रहा है कि किस रेट से प्राइस इंक्रीज हो रही है या किस रेट से प्राइस डिक्लाइन हो रही है, और इसके
वो कंपैरिजन को दर्शाता है दोस्तों। तो दोस्तों इसमें स्ट्रेट वे प्राइस का इस्तेमाल किया गया है कि अगर 14 डे पीरियड में प्राइस जिस दिन ऊपर जा रही है तो किस रेट से जा रही है, जिस दिन नीचे आ रही है किस रेट से जा रही है, और इन दोनों के रेट का नेट इफेक्ट क्या है वो आरएसआई दर्शा रहा है। और एमएससीडी क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है दोस्तों ईएमए 12 एंड ईएमए 26 के रिलेशनशिप को। अब दोस्तों ईएमए 12 एंड ईएमए 26 भी तो प्राइस के आधार पर ही प्लॉट हो रहे हैं, खाली प्राइस को स्मूद एंड इफेक्ट दिया गया है क्योंकि मूविंग एवरेजेस इस्तेमाल किए जा रहे हैं, और सिंस एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इस्तेमाल किए जा रहे हैं तो रीसेंट चेंजेस का इफेक्ट थोड़ा अर्ली मिलता है। तो दोस्तों ये दोनों डिफरेंट पर्सपेक्टिव को दर्शा रहे हैं चार्ट के ऊपर में। तो इसी कारण से कुछ टेक्निकल एनालिस्ट ऐसे होते हैं जो आरएसआई और एमएससीडी के कॉम्बिनेशन को इस्तेमाल करते हैं ओवरऑल डिसीजन लेने के पहले। दोस्तों अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है समझना कि ओवरऑल डिसीजन में ये दोनों ही सपोर्टिंग इंडिकेटर है। अब यहां पर एक स्पेसिफिक पर्पस से केवल इन्हें इस्तेमाल किया जाता है, वो है स्टडी विथ रिस्पेक्ट टू मोमेंटम। तो हमने प्राइस एक्शन एनालिसिस कर ली, अदर स्टडीज को परफॉर्म कर लिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस, डिमांड सप्लाई जोन, इन सब को जान लिया, और उसके बाद दोस्तों अगर प्राइस एक्शन सजेस्ट कर रहा है कि हमें लॉन्ग ट्रेड लेना चाहिए या शॉर्ट ट्रेड लेना चाहिए, जैसी भी सिचुएशन है प्रिवेलिंग ट्रेंड के आधार पर, मार्केट फेस के आधार पर, तो दोस्तों उसके बाद इन दोनों को प्लॉट करके देखने से कई बार ऐसा होता है कि दोस्तों आरएसआई इंडिकेट कर रहा है कि वो अप्रोच कर रहा है 70 के पास में, मींस ओवरबॉट टेरिटरी में बहुत नजदीक पहुंच चुका है, लेकिन दोस्तों एमएससीडी उस वक्त पे आपको बताता है कि अभी भी दोस्तों बाइंग का मोमेंटम स्टिल रिमेनिंग है। तो दोस्तों इस कंडीशन में क्या होता है, क्योंकि हमने आरएसआई की स्टडी में सीखा कि आरएसआई अप ट्रेंडिंग मार्केट में उसकी टेंडेंसी होती है 60 के ऊपर काफी दिनों तक वो सस्टेन करता है, क्योंकि उसमें मोमेंटम अपसाइड का बहुत हाई होता है अप ट्रेंडिंग मार्केट में, और डाउन ट्रेंडिंग मार्केट में 40 के नीचे वो ज्यादा दिन ज्यादा समय स्पेंड करता है। तो दोस्तों अगर इस समय पे जब आरएसआई एक ओवरबॉट सिचुएशन को दर्शाए तो शायद एमएससीडी में अगर हम देखें कि बुलिश मोमेंटम अभी भी बाकी है और प्राइस एक्शन सजेस्ट कर रहा है, यस ब्रेकआउट हुआ है, रेजिस्टेंस को तोड़ के मार्केट ऊपर गया है, तो शायद हम इन दोनों के कॉम्बिनेशन में उस ट्रेड को लेने की सिचुएशन में, लॉन्ग ट्रेड को लेने की सिचुएशन में बेहतर तरीके से हो सकते हैं। और या फिर दोस्तों आरएसआई फास्ट अप्रोचिंग टू 30 है, लेकिन स्टिल एमएससीडी दर्शा रहा है दोस्तों कि स्टिल उसमें सेलिंग मोमेंटम दिखाई दे रहा है, तो उस समय पे दोस्तों हमें शॉर्ट सेल करने में, एक डिसीजन लेने में एक मदद मिल सकती है जब हम दोनों इंडिकेटर को कंबाइन करके फाइनल डिसीजन लेने के पहले, ट्रेड को इनिशिएट करने के पहले इनकी स्टडी कर लेते हैं। तो दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले प्राइस एक्शन एनालिसिस और उसके बाद में ये सपोर्टिंग इंडिकेटर का इस्तेमाल, तभी हमें एक एक्यूरेसी की तरफ ले जा सकता है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं आरएसआई वर्सेस एमएससीडी में, कि कब इनके कॉम्बिनेशन के इस्तेमाल करने से एक हम प्रॉफिटेबल ट्रेड को लेने की सिचुएशन में आ सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं ये चार्ट के ऊपर आपको ले जा रहा हूं, यहां हम क्या देख सकते हैं दोस्तों कि एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव में, अप ट्रेंडिंग मूव में ये पर्टिकुलर स्टॉक है दोस्तों। और हम यहां पर क्या देख सकते हैं दोस्तों, मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूं कि इस जगह पे अगर आप देखें दोस्तों, तो इस जगह पे इस रेजिस्टेंस को यहां पे ब्रेक अवे गैप का फॉर्मेशन हुआ और एक डिसाइसिव ब्रेकआउट हुआ।
बट उस जगह पे अगर हम देखें दोस्तों तो आरएसआई जो था वो 70 पे था दोस्तों, जो ओवरबॉट सिचुएशन है। तो इस जगह पे एक कंफ्यूजन आने का संभावना हो सकती थी। यस, ब्रेकअवे गैप का फॉर्मेशन हुआ है, ब्रेकआउट हुआ है, अच्छा लॉन्ग ट्रेड दिखाई दे रहा है, प्राइस एक्शन सजेस्ट कर रहा है, लेकिन आरएसआई एक ओवरबॉट सिचुएशन दिखा रहा है क्योंकि वो 70 पर है दोस्तों। तब हम दोस्तों एमएसीडी की सहायता लेते हैं और हम यहां पे क्या देखते हैं दोस्तों, इस जगह पे एमएसीडी में जस्ट क्रॉसओवर हुआ है दोस्तों, और वो क्रॉसओवर हुआ है एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के ऊपर में क्रॉस करके गई है और हिस्टोग्राम इंडिकेट कर रहे हैं कि बुलिश मोमेंटम अभी भी बाकी है। तो ये ट्रेड उस वक्त पे लेने में एक हमें मदद करता है जब ऐसी सिचुएशन, जब हम फिक्स हो जाते हैं जब आरएसआई की स्टडी में और हमें लगता है कि ओवरबॉट सिचुएशन है, ये ब्रेकआउट कहीं फॉल्स तो नहीं है, तो उस सिचुएशन में जब हम एमएसडी की मदद लेते हैं और एमएसडी की मदद लेने के बाद अगर उसमें भी कोई क्लियर इंडिकेशन समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों, तो बेहतर है उस ट्रेड को छोड़ देना। क्योंकि हमें अपना एम क्या रखना चाहिए, हम कम ट्रेड करें लेकिन क्वालिटी ट्रेड करें, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को लेने की कोशिश करें। तो दोस्तों हम कम ट्रेड करके अधिक सफलता की संभावनाओं को रखते हैं। जब हमें पॉजिटिव एक्सपेक्टेंसी की उम्मीद अधिक होती है, वेरियस काइंड ऑफ स्टडीज को जब हम कंबाइन करके फाइनल वर्डिक्ट लेते हैं, फाइनल डिसीजन लेते हैं। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दोस्तों आरएसआई और एमएससीडी अगर दोनों मोमेंटम इंडिकेटर है दोस्तों, तो जैसा आरएसआई में हमने बुलिश डाइवर्जेंस एंड बेरिश डाइवर्जेंस चेक किया था दोस्तों कि किस तरह से हम बुलिश डाइवर्जेंस और बेरिश डाइवर्जेंस से अपने एक रॉन्ग ट्रेड को होने से बचा सकते हैं या एक पोटेंशियल रिवर्सल पॉइंट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो दोस्तों सिंस एमएसईडी भी एक मोमेंटम इंडिकेटर है तो इसमें भी वो स्टडी संभव है। चलिए उसे समझते हैं कि एमएसईडी का इस्तेमाल करके किस तरह से बुलिश डाइवर्जेंस, या जिसे हम पॉजिटिव डाइवर्जेंस बोलते हैं, या नेगेटिव डाइवर्जेंस जिसे हम बेरिश डाइवर्जेंस भी बोलते हैं, हम देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम समझते हैं कि किस तरह से एमएसईडी के ऊपर में हम बुलिश डाइवर्जेंस को पहले समझते हैं, देखते हैं। दोस्तों डाइवर्जेंस की डेफिनेशन हमने कवर की कि जब भी प्राइस में और मोमेंटम इंडिकेटर में मिसमैच होता है, डिसएग्रीमेंट होता है, उसे हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। अब दोस्तों हम बुलिश डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली प्रायर ट्रेंड डाउन ट्रेंड होना चाहिए। जहां पर प्राइस हमें सजेस्ट कर रहा है कि एक शॉर्टिंग की अपॉर्चुनिटी हो सकती है, लेकिन हमें मोमेंटम इंडिकेटर में मोमेंटम लॉस नजर नहीं आ रहा है और मोमेंटम इंडिकेटर प्राइस से डिसएग्री कर रहा है, और उस समय पे ये बुलिश डाइवर्जेंस अपियर होते हैं जो संभवतः इंडिकेट करते हैं कि पॉसिबल रिवर्सल है। अब ये प्राइस का ट्रेंड का रिवर्सल है और या फिर एक पुल बैक की संभावना है, ये कहना मुश्किल है। लेकिन दोस्तों ये शॉर्ट ट्रेड में हम एक बेरिश ट्रैप में ना फंसे इससे बचाने में हमें मदद करता है और हमें उस वक्त में इंतजार करना चाहिए ताकि संभवतः अगर ये ट्रेंड रिवर्सल है तो कुछ ना कुछ चार्ट पैटर्न हमें नजर आएगा। तो चलिए दोस्तों हम इसे देखते हैं चार्ट के ऊपर में। अब दोस्तों यहां पे हम क्या देख सकते हैं कि मार्केट एक डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, ये देखिए डाउन ट्रेंडिंग मूव में था, और इस जगह पे आप देखिए प्राइस ने इस जगह से इस जगह पे लो बनाया। तो प्राइस ने लोअर लो बनाया, लेकिन दोस्तों उसी जगह पे ये मोमेंटम इंडिकेटर एमएसईडी ने लोअर लो नहीं बनाया दोस्तों। तो ये डिसएग्रीमेंट था और इसके बाद हम देख सकते हैं दोस्तों एक रिवर्सल हुआ, उसके बाद प्रीवियस टॉप को मार्केट ने तोड़ा, यहां पे जाके कंफर्म हुआ कि दोस्तों ये केवल पुल बैक नहीं था, ये एक्चुअली ट्रेंड रिवर्सल का पहला सिग्नल था।
तो बुलिश डाइवर्जेंस इस जगह पे एक, अगर आप देखें तो ये एक इंपल्सिव वेव थी, इसका ब्रेकडाउन हुआ तो यहां पर शॉर्टिंग करने से हम बच गए, अदरवाइज ये ट्रेड हमें ट्रैप कर लेता और हम बुरी तरह से लॉस में फंस सकते थे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अब हम बेरिश डाइवर्जेंस को किस तरह से आइडेंटिफाई करते हैं एमएसीडी को इस्तेमाल करके दोस्तों। तो दोस्तों ये प्राइस चार्ट है और इस प्राइस चार्ट पे हम बहुत क्लियरली देख सकते हैं कि दोस्तों प्राइस ने यहां पे हायर हाइज बनाया और यहां पर दोस्तों एमएसीडी ने हायर हाइज नहीं बनाया। आप देख सकते हैं कि लॉस एंड मोमेंटम था और क्लियर कट यहां पर बेरिश डाइवर्जेंस दिख रहा था और उसके बाद हम देख सकते हैं प्राइस ने ऑब्वियस एक फॉल दिखाया और दोस्तों ये प्राइस ने एक करेक्शन लिया। तो दोस्तों ये बेरिश डाइवर्जेंस आइडेंटिफाई करना या बुलिश डाइवर्जेंस को आइडेंटिफाई करना एक्चुअली बहुत सिमिलैरिटी है जब हम आरएसआई को इस्तेमाल करते हैं या एमएसीडी को इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों इसमें कोई खास डिफरेंस नहीं है क्योंकि अल्टीमेटली हमें देखना है कि प्राइस और मोमेंटम इंडिकेटर दोनों एक दिशा में बात नहीं अगर कर रहे हैं तो देर इज अ मिसमैच, देर इज अ डिसएग्रीमेंट, तो वो एक बेरिश इंडिकेशन, बेरिश डाइवर्जेंस या बुलिश डाइवर्जेंस हो सकता है। सिर्फ अंतर है बेरिश डाइवर्जेंस कब मिलेगा, जब मार्केट अप ट्रेंडिंग मूव में है। इसमें हम देख सकते हैं दोस्तों ये अप ट्रेंडिंग मूव में मार्केट है और इसके बाद मार्केट ने हायर हाइज बनाया लेकिन यहां पर मोमेंटम इंडिकेटर जो एमएससीडी है इस केस में जो हायर हाइज बनाने में फेल कर गया। तो देर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन प्राइस एंड मोमेंटम इंडिकेटर एंड हेंस पॉसिबिलिटी ऑफ अगर कोई यहां पर इसके कैसे इस्तेमाल हो सकते हैं एक्चुअल ट्रेडिंग करते समय। जब हम यहां पे लॉन्ग ट्रेड में इस जगह फॉर एग्जांपल ब्रेकआउट हुआ, हमने यहां पे एंट्री की, हम यहां पे पहुंच रहे हैं और यहां पे पहला रेड कैंडल जब बना दोस्तों एक बेरिश कैंडल और यहां पे हमें निगेटिव डाइवर्जेंस दिख रहा है या बेरिश डाइवर्जेंस, तो वक्त है प्रॉफिट बुक करके निकल जाने का। क्योंकि ट्रेडिंग में दोस्तों हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, इवन अगर करेक्शन हो रहा है करेक्शन साइजेबल हो सकता है और इस केस में वही बात हुआ दोस्तों। हमने यहां पर एंट्री की ब्रेकआउट के बाद में, अगर हम इस जगह पे नहीं निकले होते तो दोस्तों हमारे प्राइस के नीचे चला जाता और फाइनली स्विंग लो अगर ये था तो हमारा स्टॉप लॉस भी ट्रिगर हो जाता। तो दोस्तों ये हमें मदद कर सकता है टाइमली प्रॉफिट बुक करने में। एट द सेम टाइम अगर हमें कभी ब्रेकआउट हुआ है एंड देर इज अ नेगेटिव डाइवर्जेंस या ब्रेकडाउन हुआ है एंड देर इज अ पॉजिटिव डाइवर्जेंस, तो उस ट्रेड को हम अवॉइड कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि एमएससीडी के लिमिटेशंस क्या क्या हैं और साथ में जानते हैं दोस्तों कि कुछ खास बातों का जब भी हम एमएससीडी को इस्तेमाल करते हैं टेक्निकल एनालिसिस को परफॉर्म करने के लिए, उस समय कुछ बातों को हमें ख्याल रखना है। उसकी मैंने एक तरह से चेकलिस्ट बनाई है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं और वो है दोस्तों कि एमएससीडी का सबसे बड़ा लिमिटेशन है कि दोस्तों ये बहुत सारे सिग्नल्स देता है और जब तक हम इसे प्राइस एक्शन एनालिसिस से कंबाइन नहीं करेंगे तो कई बार ये फॉल्स सिग्नल्स भी बहुत सारे मिलते हैं। सेकेंडली दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये इंडिकेटर भी कोई एक्सेप्शन नहीं है क्योंकि कोई भी इंडिकेटर जो है दोस्तों एक सपोर्टिंग टूल की तरह ही इस्तेमाल करना चाहिए और एमएससीडी भी एक इंडिकेटर है जिसको हम सपोर्टिंग टूल की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं प्राइस एक्शन एनालिसिस को कंबाइन करके, ताकि हमारी एक्यूरेसी को एनहांस करने में ये एक सपोर्ट मिल सके। अब दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है कि ये इसका वेटेज, जब कोई भी सिग्नल आ रहा है साइडवेज मार्केट है रेंज बाउंड मार्केट है तो दोस्तों इसके सिग्नल को हमें इग्नोर करना चाहिए और हमें रिलाई नहीं करना चाहिए। नंबर टू, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट
कि जब अप ट्रेंडिंग मार्केट है क्लियर कट, तो पहले ट्रेंड एनालिसिस इंपॉर्टेंट है। इफ द ट्रेंड के ऑल इंडिकेशंस अप ट्रेंडिंग है, तब जाके दोस्तों हमें बुलिश सिग्नल को ही केवल फोकस करना चाहिए अप ट्रेंडिंग मार्केट में, और जब दोस्तों बेरिश सिग्नल अगर दे अप ट्रेंडिंग मार्केट में, तो उसे हमें सिग्नल ना मान के एक करेक्शन फेज में हमें प्राइस एक्शन एनालिसिस के द्वारा हमें वो लेवल का इंतजार करना चाहिए। जब करेक्शन खत्म हो जाए तो बाउंस बैक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी को हम अडॉप्ट कर सकते हैं और उसमें हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं जब करेक्शन ओवर हो जाएगा और बुलिश सिग्नल मिलेगा एमएससीडी में, तो वो एक सपोर्टिंग टूल की तरह काम करेगा। और उसी तरीके से दोस्तों जब मार्केट बेरिश है, डाउन ट्रेंडिंग मार्केट है क्लियर कट ट्रेंड एनालिसिस के अनुसार, तब उस समय दोस्तों केवल जो सेल सिग्नल है बेरिश सिग्नल है उनमें ही फोकस करना चाहिए। उस समय जब चार्ट प्राइस एक्शन एनालिसिस भी वही बात को सजेस्ट कर रही है। तो चलिए दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं इसको फर्दर कि एक्चुअली किस तरह से हम इसे स्टडीज को कंबाइन करते हैं ताकि हमें एमएससीडी एक सपोर्टिंग टूल की तरह हम इस्तेमाल करें, तो हमें एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड में आइडेंटिफाई करने में और उसे ट्रेड को लेने में, ट्रेड को इनिशिएट करने में एक सफलता मिल सके। चलिए दोस्तों अब समझते हैं कि एमएससीडी को एक इफेक्टिव तरीके से, एक महत्वपूर्ण तरीके से किस तरह से हम एक सपोर्टिंग टूल इस्तेमाल कर सकते हैं अपने ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का एक हिस्सा बना सकते हैं। तो दोस्तों ये प्राइस चार्ट है। सबसे पहले चार्ट के ऊपर में हम प्राइस देखते हैं। दोस्तों इस चार्ट में क्लियरली हम देख सकते हैं ये अप ट्रेंडिंग मूव में है, हायर हाइज एंड हायर लोज का फॉर्मेशन कर रहा है। अब दोस्तों इस जगह पे हमने देखिए ये सपोर्ट लिया, यहां पे हमने हॉरिजॉन्टल लाइन खींच के रखी है। दोस्तों ये एक प्राइस एक्शन के द्वारा निकाली गई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन है। तो दोस्तों ये एक लाइन है, ये ट्रेंड लाइन खींची गई है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों यहां पे प्राइस ने करेक्ट किया और इस जगह पे हमें हाई कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट क्या मिला दोस्तों, ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो सपोर्ट लाइन है, पहले रेजिस्टेंस थी या पहले सपोर्ट की तरह भी एक्ट की है, उस जगह पे प्राइस ने टेस्ट किया, रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न बना और उस जगह पे एक ट्रेंड लाइन जो हमने राइजिंग ट्रेंड लाइन खींची है उनका कन्फ्लुएंसिंग पॉइंट है। और इस जगह में अगर हम वर्टिकली देखते हैं दोस्तों, तो यहां पर दोस्तों बहुत क्लियर कट हम देख सकते हैं कि एमएससीडी लाइन ने क्रॉसओवर किया है सिग्नल लाइन को और हिस्टोग्राम जीरो लाइन के ऊपर में बनना चालू हो गया है, जो एक बुलिश मोमेंटम दर्शाता है और प्राइस एक्शन एनालिसिस भी वही चीज सजेस्ट कर रही है। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकता था और इस तरह से एमएससीडी प्राइस एक्शन एनालिसिस के द्वारा, यहां देखिए दोस्तों एक कैंडलस्टिक रिवर्सल कैंडलस्टिक पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ जो एक वन वाइट सोल्जर था, जो क्लियर कट दर्शा रहा था कि सपोर्ट लाइन से एक रिवर्सल है। तो हमने एक सपोर्टिंग टूल को इस्तेमाल किया एमएससीडी को और हमने देखा एमएससीडी भी वही चीज इंडिकेट कर रहा है जो प्राइस एक्शन एनालिसिस कर रही है। तो ये एक हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड हो सकता है और प्राइस ने देखिए अपसाइड मूवमेंट दर्शाया दोस्तों। तो दोस्तों आज हमने जाना एक ट्रेंड फॉलोइंग मोमेंटम इंडिकेटर को, जिसे हम मैकडी या एमएससीडी बोलते हैं, मूविंग एवरेज कॉन्वर्जेंस डाइवर्जेंस दोस्तों। तो दोस्तों ये भी एक काफी पॉपुलर इंडिकेटर है दोस्तों। साथ में हमने जाना कि किस सिचुएशन में हम आरएसआई और एमएससीडी को कंबाइन करके भी एक स्टडीज ले सकते हैं, जब खास करके मार्केट ओवरबॉट कंडीशंस दर्शा रहा है बट प्राइस एक्शन एनालिसिस एक लॉन्ग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको यह एपिसोड पसंद आया होगा, तो दोस्तों इसे लाइक जरूर कीजिएगा, हमें मोटिवेशन मिलता है। एंड दोस्तों अपने फ्रेंड सर्किल में, सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप ग्रुप में इसका शेयरेबल लिंक ले लीजिए और उसे सर्कुलेट कीजिए ताकि दूसरे लोगों को भी फायदा हो सके और वो लोग भी इस चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे और आपके परिवार के सदस्य बन सके और इस लर्निंग की जर्नी का हिस्सा बन सके दोस्तों।
तो दोस्तों अगर आप चैनल को वॉच कर रहे हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपके राइट साइड में एक सब्सक्राइब बटन है, उसे क्लिक करें और इस परिवार का हिस्सा बने दोस्तों। और दोस्तों बेल आइकन को एनेबल करना नहीं भूलिएगा ताकि आपको हर आने वाले वीडियो के बारे में जानकारी टाइम पे मिल सके और आप कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो मिस ना करें दोस्तों। देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दोस्तों, मिलेंगे दोस्तों।